हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइट में। तो दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है जहां पर श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचों का सीरीज। तो दोस्तों, इस सीरीज में सबसे बड़ा सवाल है कि संजू सैमसन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे भारतीय टीम के तरफ से। तो दोस्तों, इसके लेकर भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बड़ा बयान दिया है, जी दोस्तों आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं और श्रीलंका तरफ शानदार प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं तो ये वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें संजू सैमसन की, तो दोस्तों संजू सैमसन जो कि हमेशा से बेहद ही टैलेंटेड खिलाड़ी माने जाते हैं और ये साबित भी किए हैं आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेटों में शानदार प्रदर्शन कर संजू सैमसन। तो दोस्तों, संजू सैमसन जो कि अभी तक टीम इंडिया में अपनी जगह पक्का नहीं कर पाए, क्योंकि टीम इंडिया से अंदर और बाहर होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब जो कि संजू सैमसन को टीम इंडिया में वापसी हो रही है श्रीलंका दौरे पर, तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि संजू सैमसन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे भारतीय टीम के तरफ से। तो दोस्तों, बात करें संजू सैमसन की, दोस्तों संजू सैमसन नंबर 3 पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट में, जी हां दोस्तों। वहीं बात करें टीम इंडिया की तरफ से, कुछ दिनों से अभी सूर्य कुमार यादव जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, अब से बड़ा सवाल बन गया है कि नंबर 3 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन। तो दोस्तों, अब इसी के लेकर राहुल द्रविड़ जो कि मुख्य कोच है भारतीय टीम के, उन्होंने बड़ा बयान दिया। जी हां दोस्तों, राहुल द्रविड़ का कहना है कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन दोनों एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन संजू सैमसन जिस प्रकार नंबर 3 पर प्रदर्शन किया अविश्वसनीय है और इसीलिए संजू सैमसन को नंबर 3 पर मौका दिया जाएगा श्रीलंका दौरे पर। जी हां दोस्तों, कंफर्म रूप से है कि श्रीलंका दौरे पर नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे संजू सैमसन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन खेलेगा नंबर 3 पर, सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों, अगर यह खबर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।